गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक नया टॉपिक है डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिकुलर मास। हालांकि आपके अंडर 10th स्टैंडर्ड में भी था, 11th में पढ़ना था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, और इसका यूज 12th स्टैंडर्ड में भी। ये कुछ बेसिक पार्ट है, लेकिन ज़रूरत आपका 11th और 12th में पड़ता है। तो कुछ एक स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिए, उनको इस वाले पोर्शन को लेकर के बाकी के मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सब जगह पे परेशानी हो रहा है और आगे परेशानी बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि आपका मॉलिकुलर मास से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो बना दें, और आप कोशिश करो कि 10 मिनट आप देखोगे इसे। हमें लगता है कि 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होगा और आप मॉलिकुलर मास निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग में ऐसे तो टोटल 118 एलिमेंट है मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, लेकिन इस 118 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद रखने का ज़रूरत नहीं। जितना याद रखने का ज़रूरत है, उसमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक मास यहाँ दिया हुआ है। ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर नहीं, इसका ध्यान रखोगे। मॉलिकुलर मास या मोलर मास निकालने के लिए हम लोग एटॉमिक मास कंसिडर करते हैं। तो ये एटॉमिक मास है इंपॉर्टेंट एलिमेंट का, इनको आप याद रखोगे। इसमें से हम समझते हैं कि 80-90% एलिमेंट का आपको पता होगा, जिसका नहीं पता है उसे आप अंडरलाइन कर लोगे। यानी सबसे पहले आप ये एटॉमिक मास पॉज कर दीजिए स्क्रीन, और जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास को आप अपनी कॉपी में नोट कर लोगे। अब इसके बाद में एटॉमिक मास जब आपको याद है, तो फिर मॉलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, इसको तीन पार्ट में बांट करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले सिंपल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर बात करेंगे जहां पर ब्रैकेट यूज़ किया जाता है, फिर बात करेंगे जहां पर डॉट भी यूज़ किया जाता है, जैसे डबल साल्ट वगैरह के केस में। सिंपल कंपाउंड, जैसे यहां हमें डिटरमाइन करना है कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो देखो यहां दो एलिमेंट है, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। तो आपको यहां पे एटॉमिक मास देखना है कि कार्बन का एटॉमिक मास देखिए यहां दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यहां देखो दिख रहा होगा आपको, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। तो इनका मॉलिकुलर मास निकालने के लिए कार्बन के एटॉमिक मास को पहले लिखो 12। जैसे ही एक एलिमेंट कंप्लीट हो, आप इसके बाद प्लस का साइन लगाओगे। दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अभी हम लोग अंडरलाइन किए हैं 16। तो 12 प्लस 16 कर देंगे, ये वैल्यू निकल गया 28। अब इनका यूनिट, या तो आप यूनिफाइड मास लिख सकते हैं, यू लिखा जा सकता है, AMU लिखा जा सकता है, और अगर मोलर मास निकाल रहे हैं तो इसी वैल्यू का यूनिट ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो हम यूनिट की तरफ में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ न्यूमरल वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है, फिर उसी तरीके से फर्स्ट एलिमेंट कार्बन है, तो इनका एटॉमिक मास 12 प्लस, जैसे ही एक एलिमेंट कंप्लीट होगा प्लस का साइन लगाएंगे। दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का 16, नंबर ऑफ एटम्स 2 है, तो 16 × 2 12 प्लस 32, इट वुड बी इक्वल टू 44। इनका मॉलिकुलर मास वैल्यू 44 आया। फिर है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। देखो इसमें 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2। जैसे ऑक्सीजन का एटम 2 था, तो जितने एटम्स है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ हाइड्रोजन का हो गया 1 × 2 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 है, तो 16, और नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं, तो 16 × 4 कर दिए। अब देखो ये वैल्यू कितना बचा, 2 प्लस 32 प्लस 64, इट मींस ऐड करेंगे आप तो आ गया 98। यानी सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिकुलर मास वैल्यू 98 आया। यानी करना क्या था, जितने नंबर ऑफ एटम्स है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है उनके एटोमिक मास को। और देखते हैं कुछ एक एलिमेंट का, जैसे यहाँ ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में पहला एलिमेंट है कार्बन, एटॉमिक मास 12, कार्बन का नंबर ऑफ एटम 6 है, तो इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। कार्बन कंप्लीट हो गया, जैसे ही कंप्लीट हुआ प्लस का साइन लगाओगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नंबर ऑफ एटम 12, 1 × 12, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, फिर प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक 16 और नंबर ऑफ एटम 6, अब ऐड कर दीजिए इसको, 12 को 6 से मल्टीप्लाई किए 72, 1 को 12 से मल्टीप्लाई किए 12, और यहाँ पर ये वैल्यू आ गया 96। ऐड करोगे ये वैल्यू आ जाएगा 180। ये यूरिया का मॉलिकुलर फार्मूला है, NH2CO NH2 कहा गया।
देखो एलिमेंट सबसे पहले नाइट्रोजन है, इसको आप 14 करो, प्लस हाइड्रोजन और इनका नंबर ऑफ एटम 2 है, यहाँ लिखेंगे 1 × 2, प्लस फिर कार्बन आ गया तो 12, प्लस जैसे ही एक एलिमेंट कंप्लीट हो प्लस लगाएंगे, फिर ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का 16, प्लस फिर नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन का 14, प्लस हाइड्रोजन का 1 × 2, और इनको सॉल्व करोगे आप तो ये वैल्यू आ जाएगा 16। यानी इस तरीके से फर्स्ट स्टेप का कंप्लीट हो गया, यानी कि सिंपल मॉलिकुलर फार्मूला दिया हुआ रहे तो उस कंडीशन में हम लोग मॉलिकुलर मास का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब दूसरे स्टेप की तरफ में बढ़ते हैं। दूसरे स्टेप में यहाँ देखो ब्रैकेट यूज किया गया है, तो उसी तरीके से ब्रैकेट वाले में केस में हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे यहाँ पहला एलिमेंट है कैल्शियम, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, देखो यहाँ कैल्शियम का एटॉमिक मास दिया हुआ है, पोटासियम और ये कैल्शियम 40 दिया हुआ है, 40। जैसे ही एक एलिमेंट कंप्लीट होगा हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट यूज किए, ब्रैकेट में पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन, यहाँ 16, जैसे ही एक एलिमेंट कंप्लीट होगा प्लस लगा दिया, फिर है हाइड्रोजन, इनका एटॉमिक मास 1, और ब्रैकेट के बाहर में OH का 2 है तो यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से। कैल्शियम 40, एलिमेंट कंप्लीट हुआ प्लस, मैथ का कंसेप्ट नहीं लगाओगे कि ब्रैकेट है तो उसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ ब्रैकेट का मतलब सेपरेशन से इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए वहाँ पर प्लस प्लस लगाते चले जाएंगे। अब यहाँ पर अगले स्टेप में सोल्व करेंगे, ये वैल्यू हो गया 40, और यहाँ 16 एंड 117 इंटू 2 34 ऐड कर देंगे, इनका वैल्यू आ गया 74। उसी तरह से बाकी दूसरे का भी निकाला जा सकता है। एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का 27 × 2, जैसे ही एल्युमिनियम कंप्लीट हुआ प्लस का साइन लगाएंगे, 2 क्यों मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि एल्युमिनियम का नंबर ऑफ एटम 2 है, ब्रैकेट यूज हो रहा है ब्रैकेट यूज करो, सल्फर का आ गया 32, ऑक्सीजन का हो गया 16 × 4 इंटू यहाँ पर 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, अब 27 × 2 करेंगे तो ये वैल्यू हो गया 54, प्लस 32 प्लस 16 × 4 करेंगे ये आ गया 96 × 3, ये फिर आ जाएगा 54 प्लस 96 × 3 किए ये वैल्यू आ गया 288, और ऐड कर देंगे ये वैल्यू हो गया 342 एल्युमिनियम सल्फेट का। यहाँ पर ये फार्मूला दिया हुआ है मैग्नीशियम फॉस्फेट का, देखो यहाँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास देखो कितना दिया हुआ है, सोडियम मैग्नीशियम 24, तो मैग्नीशियम के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग दिए 24, इनका नंबर ऑफ एटम 3 है तो 24 × 3, प्लस ब्रैकेट में फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का देखो एटॉमिक मास दिया हुआ है, यहाँ फॉस्फोरस का है 31, यहाँ लिख दिया हम लोग 31, प्लस ऑक्सीजन का 16 × 4 यहाँ पर 2 आ गया। अब बाकी आप इसको सॉल्व कर लो, 24 × 3 करेंगे ये वैल्यू आ गया आपका 72, प्लस यहाँ 16 × 4 64 and 31, यानी कि 95 × अब इसे ऐड करके लिख लेंगे। ये देखो इसके फॉर्मूले में डॉट लगा हुआ है, डॉट डॉट के बाद में ये जो H2O लगा हुआ है इसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है, केमिकली ज्वाइंड वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग पहले निकाले हैं 1 × 2 प्लस 16 यानी 18 होता है, इसका यूज करेंगे हम लोग। Al2O3 है, बॉक्साइट का ये फार्मूला है, एल्युमिनियम एटॉमिक मास देखो एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का यहाँ दिया हुआ है 27, यहाँ 27, 2 है तो 27 × 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना आएगा 16 × 3, प्लस जैसे ही आएगा सेपरेशन प्लस डालोगे। अब इसके बाद में है 2H2O, तो अब यहाँ पर लिखो 2 और H2O का मॉलिकुलर मास आ गया 18, याद करो ना H2O का ऐसे लिखे थे ना हम लोग H2O, तो यहाँ 1 × 2 प्लस 16 ये वैल्यू आ गया 18, इसलिए इसको 2 × 18 कर दी। अब बाकी आपका काम रहा इसको ऐड करना, यहाँ पर आ गया 54, यहाँ
48 और प्लस 36 ऐड कर दीजिए। कैलकुलेटर पर आते हैं, कॉपर सल्फेट है ये, इसे हम लोग ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, हिंदी में इसे तूतिया कहा जाता है। इनका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कॉपर का देखो यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास है 63.5, यहाँ लिख दिए 63.5 कॉपर कंप्लीट हुआ। सल्फर का 32 प्लस डाल दिए, ऑक्सीजन का 16×4 प्लस, ये पूरा कंप्लीट हो गया। कॉपर सल्फर O4 प्लस 5H2O, तो 5H2O के केस में हम लोग लगा देंगे 5×18। अब इसको ऐड कर लीजिए आप, जाएगा 249.5, ऐड करोगे तो 249.5। ये कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास आया। नीचे में यहाँ जो देख रहे हो बड़ा सा फार्मूला, ये डबल साल्ट का एग्जाम्पल है। डबल साल्ट आप 12th क्लास में पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर है, उस जगह पर ये आएगा। दो अलग अलग साल्ट, पोटासियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट को मिक्स करके ये बनाया जाता है आफ्टर रिक्रिस्टलाइजेशन। और यहाँ पर ये 24H2O इनका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ये पोटास एलम का फार्मूला है, जिन्हें हिंदी में हम लोग फिटकरी कहते हैं। इनका ये मॉलिकुलर मास निकालना है। वैल्यू कैसे लिखेंगे वो बताते हैं, और फाइनल ऐड आप करोगे। पोटासियम का सबसे पहला एलिमेंट है पोटासियम। देखो यहाँ पोटासियम का एटॉमिक मास दिया हुआ है कितना, 39। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए 39×2। क्यों 2? क्योंकि पोटासियम का नंबर यहाँ 2 है। फिर सल्फर आया तो प्लस 32, प्लस ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन का लिखेंगे तो 16×4 प्लस। अब यहाँ पर ये पूरा पोटासियम सल्फेट कंप्लीट हो गया। बताया कि जैसे ही कोई सेपरेट होगा तो प्लस लगाएंगे, तो यहाँ प्लस एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का 27×2 प्लस सल्फेट ब्रैकेट में है तो 32 प्लस 16×4 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि Al2SO4 होल थ्राइस था, प्लस 24H2O यानी 24×18। अब ये आपका काम रहा कि आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा, एक बार यहीं पाउज करके आप इसे ऐड करके देख लो इसका कितना वैल्यू आ रहा है। तो हम समझते हैं कि अब आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का निकालना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।